अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कर दें, आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे जी मैं सुबह सुबह बना रही थी रोटी, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली संडे रूटीन हो गई। तो यहाँ पे ना मीठी रोटी बना के, तो मैंने छत पे इसको इस तरह से करके ना छोटे छोटे पीस, तो परिंदों वगैरह को डालना होता है और यहाँ पे हम डालेंगे और फौरन से हमने खा जाने हैं। तो सुबह सुबह ना नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने रोटी बना ली थी और फिर मम्मी और मैं चले गए छत पे। तो हमने कहा कि चले साथ ना ये काम कर आते हैं और साथ साथ जो है ना सुबह की ठंडी हवा का मज़ा लेकर आते हैं। और इस टाइम पर इतनी मज़ेदार कोई हवा होती है, मैं कहती हूँ जब हम यहाँ पे मतलब सुबह सुबह के टाइम पे छत पे या बाहर निकलते ना, तो सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। तो ये वाली हवा जो है ना ताज़ा ताज़ा, वो हमें लेनी चाहिए और उस टाइम पे हम सो रहते हैं, ये तो हमारी गलती है। तो जी यहाँ पे ये जो है ना टैंकी लीक बहुत हो रही थी, इस वजह से ना इसका पानी और अगर फ्लो ऊपर हो जाए ना थोड़ा सा, तो ये लीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से ना पानी वगैरह जो लीक होता रहता है। और मौसम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, सुबह सुबह ये था कि बारिश आएगी लेकिन बारिश आई नहीं थी सारा दिन। तो यहाँ पे फिर आज नीचे आके ना, तो मैंने कहा चलें जी नाश्ता बना लेते हैं। आज हमने टाइम से ही नाश्ता बना लिया था, क्योंकि जब बंदा टाइम से सही टाइम से उठ जाता है ना, तो नाश्ता भी फिर सही टाइम से हो जाता है, तो अच्छी आदत है। क्योंकि पहले मैं नमाज़ पढ़ के ना सो जाती थी, लेकिन अब मम्मी ने ना सख्ती से मना कर दिया, कहती हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद कोई भी नहीं सोएगा। तो दिन का फिर पता ही नहीं चलता, आधा दिन तो सो के गुजार देना होता है और फिर काम क्या करने होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी सही है, अब हम नहीं सोया करेंगे। तो साथ मैंने चाय रखी हुई है और साथ वो थोड़ी सी चटनी पड़ी हुई थी, तो उसको ना तड़का लगा के बनाया, इतनी ज़बरदस्त बनती है। ये न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त बन जाती थी। और फिर नाश्ता वगैरह करवाने के बाद ना बाबा को, तो वो चले गए थे बाहर, क्योंकि माल वगैरह तो इतना था नहीं, आज पैक ही नहीं करना था। तो मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ा सा, मेरे कपड़े सिलाई करने का काम था वो मैं कर लेती हूँ, और अम्मी कहती हैं चलो मैं ना सब्ज़ी बना लेती हूँ तुम्हारे पास बैठ बैठ के। तो मैंने कहा चलें जी सही है, आप बना लें, क्योंकि जब मैंने कपड़े सिलाई करने होते हैं अम्मी ने मेरे पास ही बैठना होता है। तो कह रही थी कि मैंने जो फ्री बैठना है, तो मैं जो है ना साथ सब्ज़ी बना लेती हूँ शाम के लिए, तो चलो जो है ना टाइम से काम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें जी आप सब्ज़ी बना लें। और आज हम बना रहे हैं टींडे, तो ये ना अब्बू लेकर आए थे स्पेशल, क्योंकि उनको भी पसंद, हमारे घर में खाए जाते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ियाँ वगैरह दालें हर चीज़ खाई जाती है हमारे घर में, अल्लाह का शुक्र है। और जी ये था बच्चों का शुगर, ये भी हमारे घर में है। तो ये ना तकरीबन 2-3 साल पहले ना बाबा लेकर आए थे ये मशीन, कह रहे थे कि ये ना अच्छी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए तो फिर ज़रा हो जाता है, तो रौनक भी काफ़ी लगती है। तो वो ना तब जब न्यू ली थी ना, तब तो इसका बहुत था, बच्चों को बड़ा शौक़ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना काम होता गया। जाहिर है यहाँ मोहल्लेदारी है, इतना होता नहीं है। तो अभी जो है ना छुट्टियाँ हुई हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं तब बच्चे ज़रा ज़्यादा होते हैं, जो मेहमान वगैरह भी आए होते हैं इस तरह से ना, तो आज तो काफ़ी ज़्यादा ही आ गए थे। मैंने कहा आज तो तुम लोगों ने सारी कसर निकाल दी है, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा ना शूट कर लेती हूँ फ़न भी, क्योंकि ये मस्ती बड़ी करते हैं। तो ये ज़ाहिर गेम ही है इस तरह की है, इसमें मस्ती वगैरह होती है। और अभी लगे हुए थे बच्चे, तो मैंने कहा चले मैं अम्मी उनके पास बैठी थी, तो मैंने कहा चले मैं ना किचन का काम कर लेती हूँ, चाय बना के दी थी बाबा को, वो बर्तन पड़े हुए थे और भी थे, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ और साथ साथ जो है ना हांडी बना लेती हूँ। तो अभी
हांडी का तड़का वगैरह मैंने रख दिया, क्योंकि तड़का जब भुन जाएगा ना तो साथ में बर्तन धो लूँगी, मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे हांडी बनने तक। और जी यहाँ पे मेरी हांडी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, तो मैंने इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लिया। मेरे बाबा ना, मैं कहती हूँ टींडे गोश्त बनाएं, तो बाबा कहते हैं नहीं जी, टींडू का इतना मज़ा आता है पागल, और टींडे में गोश्त डालोगे गोश्त से भी ज़्यादा मज़ा आता है टींडे का। तो मैं कह चले जी सही है, फिर हम सिंपल बना लेते हैं। मेरे बाबा की ना यही बात होती है अक्सर, वो कहते हैं कि टींडे गोश्त, टींडे जो है ना इतने ज़बरदस्त खुद ही बन जाते हैं, तो इसमें गोश्त डालने की क्या ज़रूरत है, तो गोश्त से अच्छा तो इनका जायका होता है। तो हम कहते हैं चलें जी सही है। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे, अब इनको ना खुश्क करके तो बस इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो काफ़ी देर के बड़े हुए थे, खुश्क तो तकरीबन हो ही चुके हैं। और यहाँ पे ना मैंने बस आज एक ही फ्रॉक सिलाई की थी, क्योंकि मुझे ऐसे ना थकावट थकावट सी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं रेस्ट करूँ, तो मैंने फिर एक ही करके ना तो रख दी, क्योंकि काम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत थी, इस पर टाइम भी बड़ा लग गया था, हालांकि बच्ची की फ़्रॉक है, और मैं सोच रही थी कि इतनी देर में तो मैंने एक सूट सिलाई कर लेना था, तो जितना टाइम इस पर लगा। और यहाँ पे जी डिज़ाइनिंग भी फिर काफ़ी की है ना इसमें, सीढ़ी लैस लगाई है पजामे में भी, फ्रॉक में भी, और माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गई है, मुझे अच्छी लग रही है वैसे। तो एक कलर था तो फिर ज़ाहिर है इसमें वाइट ही लगना था, तो जो है ना नीचे भी ये इतनी ज़्यादा लैस लगाई, इतना इसका घेर बन गया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना काफ़ी काम इसका निकल आता है, तो इस वजह से फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फिर उसके बाद अभी मैं कर ही रही थी फ्रॉक का, तो जो है ना दरबार पे कोई आया, तो उन्होंने ना चावल बांटे, और दरबार की ना हमें माशाल्लाह बड़ी सहूलत है। तो अभी जो है ना काफ़ी देर हो गई है, थोड़ा काम हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था ना, पता नहीं क्यों, मेरी मम्मी कहती हैं शायद महंगाई हो गई इस वजह से। तो चावल बड़े ज़बरदस्त बने हुए थे, चने वाले चावल थे, और थोड़ा था ना बारिश वाला मौसम भी बना था, तो बड़ा मज़ा आया था चावल खाने का। तो मैंने कहा चलें जी मैं तो अभी खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लगी हुई थी, दिन में मैंने कुछ खाया नहीं है, काम इतना ज़्यादा कर लिया था, तो मैंने कहा चलें मैं अभी चावल खा लेती हूँ, तो शाम को देखेंगे जब रोटी खानी हुई। तो हांडी तो मैंने बिल्कुल तैयार कर ली हुई थी, और जो है ना रोटियाँ रह गई थी, तो फिर मम्मी कह रही थी कि चलो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो उन्होंने आते साथ ही फिर खाना मांगना होता है, तो हम जो है ना रोटियाँ बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैंने कहा चलें जी आपका काम है आप कर लें। तो रोटियां मैं बना रही थी, क्योंकि मुझसे ना बनती नहीं है देसी आटे की रोटी अच्छी वाली ना, तो इस वजह से फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप रोटी बना लिया करें, आटा भी उन्हें गूंदना होता है, रोटी भी उन्हें, और बाकी काम मैं कर लेती हूँ। और फिर शाम को यहाँ पे आ गए थे बाबा, तो कहते हैं लाओ जी खाना खाते हैं। हमने कहा चलें जी हम खाना खा लेते हैं, और टींडे माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त बने थे। तो आज हमारी जो है ना तली हुई मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो फिर इंस्टेंटली जल्दी जल्दी से बस यही रख ली है। तो अभी अम्मी कह रही थी सुबह मैं इनको ना फ्राई करूँगी, क्योंकि फ्राई करके ना थोड़ा इनका जो कड़वापन होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसे खाएं ना तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है, फिर सारा ना मुँह जल जाता है, तो इस वजह से फिर। लेकिन मैं कह रही थी कि ये खुश्क साला ना इसके साथ बहुत मज़ा आएगा मिर्च का, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी एक एक रख ली। मैंने कहा चलो एक एक खा लेते हैं, एक एक खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मम्मी कहती हैं चलो एक एक धो लो। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।